अनंत कोटि श्री साईनाथ महाराज की जय। टीम साईं पूजा की तरफ से सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। आज हम साईं बाबा की कृपा से श्रवण करेंगे अध्याय 35, परीक्षा में असफल। काका महाजनी के मित्र और सेठ निर्बीज मुनक्के बांद्रा निवासी एक ग्रस्त की नींद ना आने की घटना बालाजी पाटिल निवासकर बाबा का सर्प के रूप में प्रकट होना। इस अध्याय में भी उधी का ही महत्व है और इसमें ऐसी दो घटनाओं का उल्लेख है कि परीक्षा करने पर देखा गया है कि बाबा ने दक्षिणा अस्वीकार कर दी। पहले इन घटनाओं का वर्णन किया जाएगा। आध्यात्मिक विषयों में सांप्रदायिक प्रवृत्ति उन्नति के मार्ग में एक बड़ा रोड़ा है। निराकारवादियों से कहते सुना जाता है कि ईश्वर की सगुण उपासना केवल एक भ्रम ही है और सद्गण भी अपने सदृश ही सामान्य पुरुष हैं। इस कारण उनकी चरण वंदना कर उन्हें दक्षिणा क्यों देनी चाहिए। अन्य पंथों के अनुयायियों का भी ऐसा ही मत है कि अपने सद्गुरु के अतिरिक्त अन्य संतों को नमन तथा उनकी भक्ति ना करनी चाहिए। इसी प्रकार की अनेक आलोचनाएं साईं बाबा के संबंध में पहले सुनने में आया करती थी तथा अब भी आ रही है। किसी का कथन था कि जब हम शिरडी को गए तो बाबा ने हमसे दक्षिणा मांगी। क्या इस भांति दक्षिणा ऐंठना एक संत के लिए शोभनीय था? जब वे इस प्रकार आचरण करते हैं तो फिर उनका साधु धर्म कहाँ रहा? परंतु ऐसी भी घटनाएं का अनुभव में आई हैं कि जिन लोगों ने शिरडी जाकर अविश्वास से बाबा के दर्शन किए उन्होंने ही सर्वप्रथम बाबा को प्रणाम कर प्रार्थना भी की, और ऐसे ही कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। काका महाजनी के मित्र निराकारवादी तथा मूर्ति पूजा के सर्वथा विरुद्ध थे। कौतूहलवश वे काका साहेब महाजनी के साथ दो शर्तों पर शिरडी चलने को सहमत हो गए। बाबा को नमस्कार ना करेंगे और ना ही कोई दक्षिणा उन्हें देंगे। जब काका ने स्वीकारात्मक उत्तर दे दिया तब फिर शनिवार की रात्रि को उन दोनों ने बंबई से प्रस्थान कर दिया और दूसरे ही दिन प्रातःकाल शिरडी पहुँच गए। जैसे ही उन्होंने मस्जिद में पैर रखा उसी समय बाबा ने उनके मित्र की ओर थोड़ी देर देखकर उनसे कहा कि अरे आइए, श्रीमान पधारिए, आपका स्वागत है। इन शब्दों का स्वर कुछ विचित्र सा था और उनकी ध्वनि प्राय उन मित्र के पिता के बिल्कुल अनुरूप ही थी। तब उन्हें अपने क्लासवासी पिता की स्मृति हो आई और वे आनंद विभोर हो गए। क्या मोहिनी थी उस स्वर में, आश्चर्ययुक्त स्वर में उनके मित्र के मुख से निकल पड़ा कि निसंदेह यह स्वर मेरे पिताजी का ही है। तब वे शीघ्र ही ऊपर दौड़कर गए और अपनी सब प्रतिज्ञाएं भूलकर उन्होंने बाबा के श्री चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। बाबा ने काका साहिब से दोपहर में तथा विदाई के समय दो बार दक्षिणा मांगी, परंतु इनके मित्र से एक शब्द भी ना कहा। उनके मित्र ने फुसफुसाते हुए कहा कि भाई देखो, बाबा ने तुमसे तो दो बार दक्षिणा मांगी, परंतु मैं भी तो तुम्हारे साथ ही आया हूँ, फिर वे मेरी इस प्रकार उपेक्षा क्यों करते हैं? काका ने उत्तर दिया कि उत्तम तो यह होगा कि तुम स्वयं ही बाबा से पूछ लो। बाबा ने पूछा कि यह क्या कानाफूसी हो रही है। तब उनके मित्र ने कहा कि क्या मैं भी आपको दक्षिणा दूं? बाबा ने कहा कि तुम्हारी अनिच्छा देखकर मैंने तुमसे दक्षिणा नहीं मांगी, परंतु यदि तुम्हारी इच्छा ऐसी ही है तो तुम दक्षिणा दे सकते हो। तब उन्होंने 17 रुपये भेंट किए जितने काका ने दिए थे। तब बाबा ने उन्हें उपदेश दिया कि अपने मध्य जो तेली की दीवार भेदभाव है उसे नष्ट कर दो, जिससे हम परस्पर देखकर अपने मिलन का पथ सुगम बना सके। बाबा ने उन्हें लौटने की अनुमति देते हुए कहा कि तुम्हारी यात्रा सफल रहेगी। यद्यपि आकाश में बादल छाए हुए हैं और वायु वेग से चल रही थी तो भी दोनों सकुशल बंबई पहुंच गए। घर पहुंचकर जब उन्होंने द्वार तथा खिड़कियां खोली तो वहां दो मृत चिड़ियां
पड़ी देखी। एक तीसरा उनके सामने फुर करके खिड़की से उड़ गई और उनका उन्हें विचार आया कि यदि मैंने खिड़की खुली छोड़ी होती तो इन जीवों के प्राण अवश्य बच गए होते, परंतु फिर उन्हें विचार आया कि यह उनके भाग्य अनुसार ही हुआ है और बाबा ने तीसरे के प्राण बचा लिए और इसीलिए हमें शीघ्र ही वहाँ से वापस भेज दिया। काका महाजनी के सेठ बंबई में टक्कर धर्मसी जेठा भाई सॉलिस्टर कानूनी सलाहकार के एक फर्म थी और काका इस फर्म के व्यवस्थापक थे। सेठ और व्यवस्थापक के संबंध परस्पर अच्छे थे। श्रीमान टक्कर को जो ज्ञात था कि काका बहुधा शिरडी जाया करते थे और वहाँ कुछ दिन ठहर कर बाबा की अनुमति से वापस लौटते हैं के कौतूहलवश बाबा ने परीक्षा करने के विचार से उन्होंने भी होलिका उत्सव के अवसर पर काका के साथ ही शिरडी जाने का निश्चय किया। काका का शिरडी से लौटना सदैव अनिश्चित सा ही रहता था, इसीलिए अपने अपने साथ एक मित्र को लेकर वे तीनों रवाना हो गए। मित्र ने काका से बाबा को अर्पित करने के हेतु दो शेर मुनक्का मोल ले लिए। ठीक समय पर शिरडी पहुंचकर वे उनके दर्शनार्थ मस्जिद में गए। बाबा साहेब तरखट भी वहीं पर थे। श्री टक्कर ने उनसे आने का हेतु पूछा। तरखट ने उत्तर दिया कि मैं तो दर्शनों के लिए आया हूँ, मुझे चमत्कारों से क्या प्रयोजन, यह तो भक्तों की हार्दिक इच्छाएं की पूर्ति होती है। काका ने बाबा को नमस्कार कर उन्हें मुनक्के अर्पित किए। तब बाबा ने उन्हें वितरित करने की आज्ञा दे दी। श्रीमान टक्कर को जो कुछ भी मुनक्के मिले, एक तो उन्हें मुनक्का रुचिकर न लगता था, दूसरे इस प्रकार अस्वच्छ खाने की डॉक्टर ने मनाही की थी, इसीलिए वे कुछ निश्चय न कर सके और अनिच्छा होते हुए भी ग्रहण करना पड़ा। फिर दिखावे मात्र के लिए उन्होंने मुंह में डाल लिए। अब समझ में न आता था कि उनके बीजों का क्या करें। मस्जिद के फर्श पर तो थूका नहीं जा सकता था, इसीलिए उन्होंने वे बीज अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने खीसे में डाल लिए और सोचने लगे कि जब बाबा संत हैं तो यह बात उन्हें कैसे विदित है हो सकती है कि मुझे मुनक्कों से घृणा है। फिर क्या वे मुझे इसके लिए लाचार कर सकते हैं। जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, बाबा ने उन्हें कुछ और मुनक्के दे दिए, पर उन्होंने खाया नहीं, अपने हाथ में ले लिए और तब बाबा ने उन्हें खा लेने को कहा। उन्होंने आज्ञा का पालन किया और चबाने पर देखा कि वह सब निर्बीज ही हैं और वे चमत्कार की इच्छा रखते थे, इसीलिए उन्हें देखने को भी मिल गया। उन्होंने सोचा कि बाबा समस्त विचारों को तुरंत जान लेते हैं और मेरी इच्छा अनुसार ही उन्होंने उन्हें बीज रहित बना दिया है। वे क्या अद्भुत शक्ति हैं उनमें। फिर शंका निवारणार्थ उन्होंने तरखट से जो समीपी बैठे हुए थे और जिन्होंने भी थोड़े मुनक्के मिले थे पूछा कि किस किस्म के मुनक्के हैं तुम्हें मिले हैं। उत्तर मिला अच्छे बीजों वाले। श्रीमान टक्कर को तब और भी आश्चर्य हुआ। अब उन्होंने अपने अंकुर तत्व विश्वास को दृढ़ करने के लिए मन में निश्चय किया कि यदि बाबा वास्तव में संत है तो अब सर्वप्रथम उनके काका को ही दिए जाने चाहिए। इस विचार को जानकर बाबा ने कहा कि अब पूर्ण वितरण काका से ही आरंभ होना चाहिए। यह सब प्रमाण श्री टक्कर के लिए पर्याप्त ही थे। फिर श्यामा ने बाबा से परिचय कराया कि आप ही काका के सेठ हैं। बाबा कहने लगे कि ये उनके सेठ कैसे हो सकते हैं, इनके सेठ तो बड़े विचित्र हैं। काका इस उत्तर से सहमत हो गए और अपनी हट छोड़कर टक्कर ने बाबा को प्रणाम किया और वाड़े को लौट आए। मध्य की आरती समय समाप्त होने पर वे बाबा से प्रस्थान करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए मस्जिद में आए। श्यामा ने उनकी कुछ सिफारिश की। तब बाबा इस प्रकार बोले, एक सनकी मस्तिष्क वाला सभ्य पुरुष था जो स्वस्थ और धनी भी था। शारीरिक तथा मानसिक व्यथाओं से मुक्त होने पर भी वह स्वतः ही अनावश्यक चिंताओं में डूबा रहता था और व्यर्थ यहाँ वहाँ भटक कर अशांत बना रहता था।
कभी वह स्थिर और कभी चिंतित रहता था। उसकी ऐसी स्थिति देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उससे कहा कि कृपया बाप अपना विश्वास एक इच्छित स्थान पर स्थिर कर लें और इस प्रकार व्यर्थ भटकने से कोई लाभ ना होगा। शीघ्र ही एक निर्दिष्ट स्थान चुन लो। और इन शब्दों से टक्कर की समझ में तुरंत ही आ गया कि यह सर्वथा मेरी ही कहानी है। उनकी इच्छा थी कि काका भी हमारे साथ ही लौटे। बाबा ने उनका ऐसा विचार जानकर काका को सेठ के साथ लौटने की अनुमति दे दी। किसी को विश्वास ना था कि काका इतने शीघ्र ही शिरडी से प्रस्थान कर सकेंगे और इस प्रकार टक्कर को बाबा की विचार जानने की कला एक और प्रमाण मिल गया। तब बाबा ने काका से 15 रुपये दक्षिणा मांगी और कहने लगे कि यदि मैं किसी एक से 1 रुपया दक्षिणा लेता हूँ तो उससे 10 गुना लौटाया करता हूँ और मैं किसी से कोई वस्तु बिना मूल्य नहीं लेता और ना तो प्रत्येक से मांगता हूँ। जिसकी और फकीर मेरे गुरु इंगित करते हैं उससे ही मांगता हूँ और जो गजन्मों का ऋणी होता है उसकी ही दक्षिणा स्वीकार हो जाती है। दानी देता है और भविष्य में सुंदर उपज का बीजारोपण करता है। धन का उपयोग धन्योपार्जना के निमित्त होना चाहिए। यदि धन व्यक्तिगत आवश्यकताओं में व्यय किया गया तो यह उसका दुरुपयोग है। यदि तुमने पूर्व जन्मों में दान नहीं दिया तो इस जन्म में पाने की आशा कैसे कर सकते हैं। इसीलिए यदि प्राप्ति की आशा रखते हो तो अभी दान करो। दक्षिणा देने से वैराग्य की वृद्धि होती है और वैराग्य प्राप्ति से भक्ति और ज्ञान बढ़ जाते हैं और एक दो और 10 गुना लो। इन शब्दों को सुनकर श्री टक्कर ने अपना संकल्प भूलकर बाबा को 15 रुपये भेंट किए और उन्होंने सोचा कि अच्छा ही हुआ जो मैं शिरडी आ गया। यहाँ मेरे सब संदेह नष्ट हो गए और मुझे बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त हो गई। ऐसे विषयों में बाबा की कुशलता बड़ी अद्वितीय थी। यद्यपि वे सब कुछ करते थे फिर भी वे इन सबसे अलिप्त रहते थे। नमस्कार करने या ना करने वाले, दक्षिणा देने या ना देने वाले, दोनों ही उनके लिए एक समान थे। उन्होंने कभी किसी का अनादर नहीं किया। यदि भक्त उनका पूजन करते तो इससे उन्हें कोई प्रसन्नता होती और यदि कोई उनकी उपेक्षा करते ना कोई दुख होता। वे सुख और दुख की भावना से परे हो चुके थे। अनिद्रा। बांद्रा के एक महाशय कायस्थ प्रभु बहुत दिनों से नींद ना आने के कारण अस्वस्थ थे। जैसे ही वे सोने लगते उनके स्वर्गवासी पिता स्वप्न में आकर उन्हें बुरी तरह से गालियां देने लगते और इससे निद्रा भंग हो जाती और वे रात्रि भर अशांति महसूस करते। हर रात्रि को ऐसा ही होता, जिससे वे किंतव्य मूढ़ हो गए। और एक दिन बाबा के एक भक्त उसे उन्होंने इस विषय में परामर्श किया और उसने कहा कि मैं तो एक संकट मोचन सर्व पीड़ा निवारणी उदी की ही इसी रामबाण औषधि मानता हूँ जो शीघ्र ही लाभदायक सिद्ध होगी। उन्होंने एक उदी की पुड़िया देखकर कहा कि इसे शयन के पूर्व माथे पर लगाकर अपने सिरहाने पर रखो। और फिर तो उन्हें निर्विघ्न प्रगाढ़ निद्रा आने लगी और यह देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ और आनंद हुआ। यह कर्म चालू रखकर वे अब साईं बाबा का ध्यान करने लगे। बाजार से उनका एक चित्र लाकर उन्होंने अपने सिराने पर रख लिया और लगाकर उनका नित्य पूजन किया और प्रत्येक गुरुवार को वे हार और नैवेद्य अर्पण करने लगे। वे अब पूर्ण स्वस्थ हो गए और पहले के सारे कष्ट भूल गए। बालाजी पाटिल निवासकर। ये बाबा के परम भक्त थे। ये उनकी निष्काम सेवा किया करते थे। दिन में जिन रास्तों से बाबा निकलते उन्हें वे प्रातःकाल ही उठकर झाड़ू लगाकर पूर्ण स्वच्छ कर देते और इनके पश्चात यह कार्य बाबा की परम भक्त महिला राधा कृष्ण माई ने किया और फिर अब्दुल ने। बालाजी जब अपनी फसल काट लेते तो वे सब अनाज उन्हें भेंट कर दिया करते थे और उसमें से जो कुछ बाबा उन्हें लौटा देते उसी से वे अपना कुटुंब का भरण पोषण किया करते थे। यह कर्म अनेक वर्षों तक चला और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र ने इससे जारी रखा। उदी की शक्ति और महत्व। एक बार बालाजी के श्राद्ध दिवस पर की वार्षिक बरसी के अवसर पर कुछ व्यक्ति आमंत्रित किए गए। जितने लोगों के लिए भोजन तैयार किया गया था उससे कई गुना लोग भोजन के समय एकत्रित हो गए।
यह देख श्रीमती निवासकर किंतव्य मूढ़ हो गई और उन्होंने सोचा कि यह भोजन सबके लिए प्राप्त न होगा और कहीं कम पड़ गया तो कुटुंब की भारी अपकीर्ति होगी। और तब उनकी सास ने उनकी उनसे संतावना देते हुए सांत्वनापूर्ण शब्दों में कहा कि चिंता ना करो, यह भोजन सामग्री हमारी नहीं, यह तो साईं बाबा की है। प्रत्येक बर्तन में उधी डालकर उन्हें वस्त्र से ढक दो और बिना वस्त्र हटाए सबको परोस दो, वे ही हमारी लाज बचाएंगे। परामर्श के अनुसार ही किया गया और भोजनार्थियों के तृप्तिपूर्वक भोजन करने के पश्चात भी भोजन सामग्री यथेष्ट मात्रा में शेष देखकर उन लोगों को महान आश्चर्य हुआ और जैसा जिसका भाव होता है उसके अनुकूल ही अनुभव प्राप्त होता है। ऐसी ही घटना मुझे प्रथम श्रेणी के उप न्यायाधीश तथा बाबा के परम भक्त श्री बीए चोगले ने बतलाई कि फरवरी सन 1943 के करजत जिला अहमदनगर में पूजा का उत्सव हो रहा था और तभी इस अवसर पर एक व्रत भोज का आयोजन हुआ। भोजन के समय आमंत्रित लोगों से लगभग 5 गुने अधिक भोजन के लिए आए और फिर भोजन सामग्री कम नहीं हुई। बाबा की कृपा से सबको भोजन मिला, यह देखकर सबको आश्चर्य हुआ साईं बाबा का सर्व के रूप में प्रकट होना। शिरडी के रघु पाटिल एक बार निवास के बालाजी पाटिल के पास गए, जहां संध्या को उन्होंने ज्ञात हुआ कि सांप फुरफुराता हुआ गौशाला में घुस गया और सभी पशु भयभीत होकर भागने लगे। घर के लोग घबरा गए, परंतु बालाजी ने सोचा कि श्री साईं इस रूप में यहां प्रकट हुए हैं। तब वे एक प्याले में दूध ले आए और निर्भय होकर उसके सर्प के सम्मुख रखकर उनको इस प्रकार संबंधित कर कहने लगे, बाबा आप फुफकार कर शोर क्यों कर रहे हैं? क्या आप मुझे भयभीत करना चाहते हैं? यह दूध का प्याला लीजिए और शांतिपूर्वक पी लीजिए। ऐसा कहकर वे बिना किसी भय से उसके समीप बैठ गए और अन्य कुटुंबी जन तो बहुत घबरा गए और उनकी समझ में ना आ रहा था कि अब वे क्या करें। थोड़ी देर में ही सर्प अदृश्य हो गया और किसी को भी पता ना चला कि वह कहाँ गया। गौशाला में सर्वत्र देखने पर में भी वहाँ उसका कोई चिन्ह दिखाई ना दिया। ऐसी घटना साईं साधु सुधा में प्रकाशित है कि बाबा कोयम्बटूर दक्षिण भारत में 7 जनवरी सन 43 गुरुवार की संध्या को 3:30 बजे सर्प के रूप में प्रकट हुए और जहां उस सर्प ने भजन सुनकर दूध और फूल स्वीकार किए और हजारों लोगों की भीड़ को दर्शन देकर अपनी फ़ोटो भी उतारने दिया और फोटो उतारने समय बाबा का चित्र भी उसके समीप रख कर दोनों की ही फ़ोटो उतारी गई। चित्र और अन्य विवरण के लिए पाठकों से प्रार्थना है कि वे उपयुक्त पत्रिका का अवश्य अवलोकन करें। ओम श्री सद्गुरु साईनाथम अर्पण वस्तु शुभम भवतु। टीम साईं पूजा की तरफ से अध्याय 35 संपूर्ण हुआ। वापिस हम कल मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। ओम साईं राम, जय साईं राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साईं राम, जय साईं राम।